हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कि टैली में कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है। ठीक है, टैली में कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी दो प्रकार के होता है। पहला मैनुअली होता है, जिसमें हम लोग अमाउंट खुद लिखते हैं, और दूसरा होता है प्री डिफाइंड, जिसमें हम लोग अमाउंट नहीं लिखते हैं, परसेंटेज डिफाइन करते हैं, और जो एक्सपेंस का अमाउंट है वो उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर फीचर इनेबल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद देखिए अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर आ जाएगा। तो हम लोग अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे और उसके बाद कॉस्ट ऑब्लिक प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में हम लोग आके मेंटेन कॉस्ट सेंटर यस कर देंगे, और इसके नीचे मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी यस करके कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद हम लोग आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, और कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में है, अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे और कॉस्ट कैटेगरी। मान लीजिए हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो हम लोग तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, तो कॉस्ट कैटेगरी में पहला क्या बना लेंगे हम लोग, कैटेगरी एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अब एडवर्टीजमेंट बन गया, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब हम लोग क्या बनाएंगे, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या बनाएंगे कि एडवर्टीजमेंट जो हमने किया है वो किस किस प्रकार से किया है। उसके लिए देखिए कैटेगरी यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, प्राइमरी नहीं लेंगे, हम लोग एडवर्टीजमेंट ले लेंगे, और नेम ले लेंगे कि किस किस प्रकार से हमने एडवर्टीजमेंट किया है। हम पहला कहते हैं न्यूज़पेपर से, ठीक है, दूसरा हम कहते हैं टेलीविजन, और तीसरा हम कहते हैं ऑनलाइन। तो ये तीन प्रकार हैं जहां पे हमारा एडवर्टीजमेंट का पैसा खर्च हुआ है। ठीक है, अब एडवर्टीजमेंट हमारे ये खर्चा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था आपको कि एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सिंगल एंट्री मोड है, तो ऊपर लिख देंगे कैश या बैंक जिससे आप पेमेंट कर रहे हैं, हमने कहा कैश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट के लिए हमको लेजर बनाना पड़ेगा, इसके लिए हम ऑल्ट सी करेंगे। ठीक है, ऑल्ट सी करके या तो लेजर बना लिए, या फिर हम कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग इन्फो लेजर में। ठीक है, आइए यहां बना लेते हैं एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट लेजर बन गया, ये किस ग्रुप में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और सबसे जरूरी चीज, आपको ये वाला जो है कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल, इस ऑप्शन को यस रखना पड़ेगा, तभी कॉस्ट सेंटर आएगा। ठीक है, इसको यस करते ही हमने एक्सेप्ट करा लिया। अब हमने कितना पे किया है, 25,000 रुपए। ठीक है, 25,000 पे करने के बाद देखिए, जैसे ही आप इंटर करेंगे आपसे पूछेगा कॉस्ट कैटेगरी, तो स्पेस बार करेंगे, हमने कॉस्ट कैटेगरी क्या बनाई थी, एडवर्टीजमेंट की, फिर स्पेस बार करेंगे, अब पूछेगा कॉस्ट सेंटर, तो हम पहले न्यूज़पेपर ले लेते हैं। मान लीजिए न्यूज़पेपर में हमारा लगा है 5,000 रुपए, फिर स्पेस बार ऑनलाइन, ऑनलाइन पे मान लीजिए हमारा लगा 10,000 रुपए, और फिर स्पेस बार अब टेलीविजन, तो रेस्ट अमाउंट जो बचा है वो अपने आप टेलीविजन में आ जाएगा। इसको इंटर कर देंगे और नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग एक्सपेंस पेड। ठीक है, करंट बैलेंस देखिए कैश का रेड में है, क्योंकि ये बैलेंस जीरो था तो ये निगेटिव में चला गया। ठीक है, आइए इसका नरेशन लिख देते हैं। ठीक है, अब ये एंट्री एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, ये हमने क्या देखा, मैन्युअली कैसे हम लोग अपने से अमाउंट लिखते हैं। आइए अब प्री डिफाइंड का देखते हैं। ठीक है, तो प्री डिफाइंड के लिए या तो हम लोग पहले से जाके अकाउंट्स इन्फो से कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर बना ले, या फिर प्री डिफाइंड यस करके वहां से ऑल्ट सी से बना ले। तो हम क्या करते हैं, पहले हम बना लेते हैं अकाउंट्स इन्फो से। ठीक है, आ जाइए कॉस्ट कैटेगरी। मान लीजिए अब हम नई कैटेगरी बनाते हैं सैलरी, हमें स्टाफ को सैलरी देनी है। ठीक है, तो आइए सैलरी बना लेते हैं। ठीक है, सैलरी एक्सेप्ट हो गई हमारी। अब इसके बाद बैक आएंगे कॉस्ट सेंटर में, हम उन लोगों का नाम लिखेंगे जिनको हम सैलरी दे रहे हैं, बैक स्पेस करेंगे, ऊपर आ जाएंगे। अब हमें कैटेगरी एडवर्टीजमेंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सैलरी, तो स्पेस बार करेंगे और सैलरी ले लेंगे। अब जिनको जिनको हम सैलरी देंगे उनका उनका यहां नाम लिख लेंगे। ठीक है, हमने कहा पहला है मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए को सैलरी देंगे।
दूसरे हैं मिस्टर बी, इनको भी सैलरी देंगे, और तीसरे हैं मिस्टर सी। ये तीन लोग हैं जिनको हमने सैलरी देनी है, ठीक है। ये हो गया, अब हमने क्या बताया था, ये है प्री डिफाइंड वाला। तो प्री डिफाइंड के लिए अब हम क्या करेंगे, F11 करेंगे, ठीक है। अकाउंट फीचर में जाएंगे, कंपनी फीचर, उसमें अकाउंटिंग फीचर में, ठीक है, कंपनी फीचर अकाउंटिंग फीचर। अब देखिए हम लोग जब नीचे आएंगे दोस्तों, तो आपको इसमें दिखेगा एक ऑप्शन, यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इन ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसको यस कर देंगे। इसको यस करते ही आपसे सैलरी का क्लास पूछेगा, ठीक है, आपसे सैलरी का क्लास पूछेगा, तो आप क्लास में सैलरी दे देंगे। फिर हमने कॉस्ट डिग्री बनाया था सैलरी, उसको ले लेंगे। अब पूछेगा कॉस्ट सेंटर, तो हम यहाँ पे मिस्टर ए ले लेंगे। मिस्टर ए को हम दे देंगे मान लीजिए 50%। फिर मिस्टर बी ले लेंगे, इनको दे देंगे 25%, और मिस्टर सी ले लेंगे, इनको हम दे देंगे 25%, ठीक है। अब एंड ऑफ लिस्ट करके इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। अब फिर बैक आएंगे, बैक आने के बाद हम अकाउंट्स वाउचर में आएंगे, अब सैलरी की भी पेमेंट करेंगे। तो देखिए जैसे ही प्री डिफाइंड आप इनेबल करेंगे, आपसे यहाँ पे कॉस्ट सेंटर या क्लासेस पूछेगा। तो हमने क्लासेस बनाई थी, सैलरी, सैलरी ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम कैश से ही पेमेंट कर देंगे। और यहाँ पे फिर एक लेजर बनाएंगे, जिस किस नाम से होगा दोस्तों, सैलरी के नाम से, ठीक है, स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे भी क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी यस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, जितनी भी सैलरी हमें पे करनी है वो लिख देंगे, मान लीजिए 50,000। उसके बाद हम इंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे और नीचे लिख देंगे बींग सैलरी पेड, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हमारा मैनुअल में था कि हमें अमाउंट लिखना पड़ रहा था, वो शो करता था, ठीक है। प्री डिफाइंड में अमाउंट नहीं शो कर रहा है, सिर्फ टोटल अमाउंट 50,000 शो कर रहा है। इसके बाद बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ लिख के हम इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि जो परसेंटेज हम दिए थे उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो सैलरी है वो डिवाइड हुआ। तो हम क्या करेंगे, पेज अप का बटन क्लिक करेंगे, और देखिए दोस्तों अब 25,000 आपको मिस्टर ए, 12,500 मिस्टर बी, और 12,500 मिस्टर सी, ये तीनों लोगों को अकॉर्डिंग टू चला गया है, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा कि प्री डिफाइंड और मैनुअल डिफाइंड क्या होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को देखें, वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी इशू हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, या हमें नीचे मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप लोग जुड़ सकते हैं उससे भी। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।